अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेडिशंस चैनल की तरफ से हम बात हैं। गिरीगंज बाजार है, ये गिरीगंज बाजार से आप सफ़र कर रहे हैं फ्री ट्रेड की तरफ। गिरीगंज बाजार के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, बच्चों के साइकिल, वॉशिंग मशीन, मिस्त्रियाँ, अब तमाम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। फिर गोश्त की मार्केट भी यहीं पर है और टीवी रिपेयरमेंट की मार्केट भी यहीं पर है। और सब्जा चारा लेना हो उठाने के लिए तो वो भी यहीं पर मिलेंगी आपको। बाकी तो मार्केट भी है और पोल्ट्री की ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पर आपको अंडे मिल जाएंगे, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, पाए, सीरी पाए, कॉर्पोरेट्स आप देख सकते हैं, वो मिल जाएंगे आपको यहाँ से। अच्छा, तो आटा चक्कियाँ भी हैं यहाँ पर, तो आपको आटा चक्कियों से गंदम का आटा, ज्वार का आटा, बाजरा का आटा, चावल का आटा, ये सारे आटे आपको मिल सकते हैं। वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो स्पेशली यहाँ का रुख करते हैं तो आटा लेने के लिए। फिर आपको यहाँ पर तमाम सिलाई मशीनें, बार्बर का सामान वो मिल जाएगा। और जो हम चौक बाज़ार में पहुँच गए हैं, देखें कि बहुत सारे यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े हैं। बर्तनों की भी मार्केट है, मतलब कि जहेज का सामान लेना हो, बर्तनों का सामान लेना हो, आप इस बाज़ार का रुख कर सकते हैं। सिलाई मशीनों की रिपेयरमेंट भी यहाँ पर होती है और ब्यूटी पार्लर का तमाम सामान मिल सकता है आपको। बार्बर का भी तमाम सामान यहाँ मिलता है। और यहाँ पर इस चौक में दही भले की दुकान है, बहुत ज़बरदस्त और इनकी अच्छी क्वालिटी के दही भले मिलते हैं। जो भी लेडीज यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है तो अल्टीमेटली दही भला जरूर लेती है। शादी के सेज का डेकोरेशन का सामान आपको मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स यहाँ से मिलेंगे, हर किस्म के खजूर आपको इस बाज़ार में से मिल सकती है जो जो आप ट्रैवल करते जाते हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स के आप कपड़े हैं। अब आप सामने जब जाएंगे तो मंगाया शाह की यहाँ पर दुकान है जो कि हर्बलिस्ट है। आपको हर्बल की हर जड़ी बूटी, हर नुस्खा जात, ये सामने पोशाक नजर आ रही होगी। ये बहुत बड़ी चौक है और ये जामा मस्जिद के नीचे है। जामा मस्जिद के नीचे की तमाम मार्केट वो आपको किस दिन दिखाएंगे। इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है, जैसे इस वक्त ट्रैफिक जाम हो चुकी है और हम रुके हुए हैं। जहाँ पर आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, देख रहे हैं आपको ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, उसके अलावा आपको किचन के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ इस रश से, इस ट्रैफिक जैम से निकलना भी एक इशू होता है। और हमारे सामने ऑलमोस्ट जो पैदल चलने वाला बंदा है वो भी पूरी मुश्किल से निकल सकता है। और सारा दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम ही रहती है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा दिन यहाँ पर। अपने फ्रेंड भी देख सकते हैं, यह सारी हर्बिस्ट की दुकान है। हर भी जड़ी बूटियाँ आपको जो चाहिए होंगी। और नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद आप ऊपर जा सकते हैं। राइट हैंड पे आपको कटरी की सारी शॉप्स मिलेंगी। और आगे अगर आप चले, एक बहुत बड़ा ये वाइड बाजार है, लेकिन इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कि एक पैदल चलने वाला शख्स भी यहाँ नहीं रह सकता। दुकानों के आगे कम अज़ कम 7-7 फुट तक लोगों ने जगह आगे रेंट पे दे रखी है। तो साहब की भरमार है, पैदल चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी देखें, इस ऑटो को ये खड़े होकर रिवर्स लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अभी यहीं से मोड़ रहा है, यू टर्न ले रहा है। इतने रश में भी सिविक सेंस हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है। अब ऑटो यहाँ पर रिवर्स ले रहा है, यू टर्न ले रहा है। अब आप दाएं बाएं दोनों तरफ देखें तो इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है। तजाव साहब ने दुकानदारों ने आगे 7-7 फुट तक जगह पर कब्जा कर रखा है। ये 20-25 फुट की सड़क है जो कि आप सुखीज होकर बिल्कुल तंग होकर 5-10 फुट के ऊपर आते रहेंगे। यहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक कैसे गुजरेगी? यहाँ से आपको तमाम कपड़े का सामान मिलेगा, बुलाने जुराबे, सॉक्स, बच्चों के गारमेंट्स, दोनों के गारमेंट्स, मर्दाना गुराना बचराना तमाम किस्म की आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप किसी बाज़ार के राइट हैंड पे मिलेंगे तो शॉपिंग प्लाजा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे मुड़ के जाएंगे तो आपके रंगीला बाज़ार है। रंगीला बाज़ार के अंदर तमाम आपको ज्वेलरी मिलेगी, तमाम कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा।
इस बाज़ार से आप जैसे हम साहब के जाएंगे तो अच्छे राधी चौक है, जो कि आप उसको फूल वाला कह सकते हैं। यहाँ सबके बाद आपको रोज़ के फूल मिलेंगे, चमेली के फूल मिलेंगे, चमेली के आपको सेज का जो पीछे डेकोरेशन का सामान था, जहाँ आपको सेज के लिए फ्रेश फूल मिलेंगे। तो ये वाला चौक है जिसके नाम मैं जिक्र कर रहा था, आप उसको फूल वाला चौक भी कह सकते हैं। इस चौक के अंदर से अगर आप राइट को मुड़ेंगे तो फतह खां बाजार की तरफ चल जाएंगे, अगर लेफ्ट को मुड़ेंगे तो सराफा बाजार है, वहाँ से जाएंगे जिसको आपको मछली बाजार के तौर पर हमें सीधे जाना है। सीधे जाना तो ये शाही बाजार है। शाही बाजार अगेन ये बहुत बड़ा और वाइड बाजार है, इतना खुला बाजार है कि दो कारें आमने सामने एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, चारों तरह दो गाड़ियाँ उसमें जा सकती हैं। लेकिन अब हालत ये है कि इंटरनेटमेंट की वजह से तमाम दुकानदार ने अपने दुकानों का सामान दुकान से निकाल के बैग और काफी सजा रखा है, पैदल चलने वालों के लिए, बाइक रेंट करने वालों के लिए जगह ही नहीं होती। और इतना रश होता है कि जिस तरीके से मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, हर एक दो सेकंड के बाद ब्रेक लगानी पड़ती है, खुद को बचाना पड़ रहा है, लोगों को बचाना पड़ रहा है। इन हालात के अंदर ड्राइविंग करना यकीन मुझे मुश्किल काम है। तो इस शाही बाज़ार के अंदर भी आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, अपनी जो चीज़ लेना है। ज़्यादातर आप दुकानें देख रहे हैं कि कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, उसके अलावा तरह के मतलब कि मिक्स है, हर तरह की चॉइस है, जो जिस तरह की लेना चाहें आपको वो वाली वैरायटी मिल सकती है। अब आप खरीदने तक जाएंगे तो आपको दोनों तरफ से दुकानें खुली मिलेंगी। अभी तो ये लाइन लगी है ना, इस महंगे के बावजूद भी आप देखें तो ठीक ठाक कस्टमर है, क्योंकि शॉपिंग कर चुके हैं, शॉपिंग करके जा रहे हैं। कोई एक ऐसी लेडी बता दें जिसके हाथ में शॉपिंग ऑब्वियसली खरीदाई ना की हुई हो। ऐसे हालात के अंदर जब हर तरफ ये शुरू हो रहा है कि महंगाई गए, राइट बढ़ गए, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, मीशत तबाह हो गई, ये मीशत तबाह होने के नाम पे और जगह लाए थे।